हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बढ़िया हो। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वन प्लस सिक्स और वन प्लस सिक्स टी के लिए ऑक्सीजन ओएस का नया अपडेट आ चुका है 10.3.11। दोस्तों देख सकते हो यहाँ पर मुझे नोटिफिकेशन आ गया है सिस्टम अपडेट अवेलेबल। तो इसके लिए आपको एक एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है जिसका नाम है ऑक्सीजन ओएस अपडेटर। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले वो एप्लीकेशन को ओपन करके दिखाता हूँ आपको। तो उसके लिए आपको ऑक्सीजन ओएस अपडेटर लिखना है और आपका प्ले स्टोर में ओपन हो जाएगा। यहाँ पर देख सकते हो गाइस, मैं आपको सर्च करके दिखा दे रहा हूँ, आपको डायरेक्टली लिंक मैं दे दूंगा। तो काफ़ी अच्छा एप्लीकेशन है, बहुत टाइम से यूज़ कर रहा हूँ मैं। सारे ऑक्सीजन ओएस यूज़र्स के पास ये डेफिनेटली होना चाहिए, जो भी लोग वन प्लस यूज़र है उनके पास। तो यहाँ पर जैसे आप ओपन कर दोगे, आपको आपका डिवाइस फैच करके बता दिया जाएगा और उसके बाद आपको रूट वगैरह का भी बोला जाएगा, लेकिन आप उसको स्किप कर देना रूट को, और आपका डिवाइस भी आपको बता देगा। तो मेरा वन प्लस सिक्स है, यहाँ पर देख सकते हो मुझे 176 का अपडेट दिखा रहा है। तो यहाँ पर उसको मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर नोटिफिकेशन में कुछ इस तरीके से वो डाउनलोड होगा, आप देख सकते हो यहाँ पर गाइस। तो जैसे ये डाउनलोड होगा उसके बाद के स्टेप्स मैं आगे आपको बताता हूँ। दोस्तों देख सकते हो मेरा जो 176 MB का अपडेट था वो डाउनलोड कंप्लीट करके लिखा हुआ आ गया। तो उसके बाद आपको जो स्टेप्स है वो बता देता हूँ मैं आपको। आपके सेटिंग्स में जाना है, यहाँ पर ऑप्शन है सिस्टम, उस पर क्लिक करना है। उसके बाद आपको सिस्टम अपडेट्स में जाना है। तो यहाँ पर देख सकते हो मेरा 10.3.10 वर्जन है, तो यहाँ पर क्लिक करता हूँ मैं। उसके बाद अभी लोकल अपग्रेड, तो यहाँ पर जो आपका फाइल है उसको आपको क्लिक करना है और इंस्टॉल नाउ करना है। तो कुछ इस तरीके से वो इंस्टॉल होगा और आपके नोटिफिकेशन पैनल में भी आपको दिख जाएगा 1, 2, 3 ऐसा इंस्टॉल प्रोग्रेस दिखाएगा। तो जैसे ही ये 100 होता है उसके बाद आपको रिबूट कर देना है। दोस्तों मेरा फ़ोन रिस्टार्ट हो गया है, थोड़ा टाइम लेते हैं, थोड़ा पेशेंसली वेट करो, रिस्टार्ट होने के लिए थोड़ा टाइम लेते हैं। उसके बाद कुछ इस तरीके से आपको फिनिशिंग इंस्टॉल करके लिखा हुआ आ जाएगा और आपके फ़ोन में आपका जो वर्जन था वो पहले का चेंज होके अपडेट हो जाएगा। तो यहाँ पर मेरा 10.3.10 था, अब हो चुका है 10.3.11। तो यहाँ पर आपको मैं सबसे पहले जाके दिखाता हूँ, देख सकते हो यहाँ पर दोस्तों 10.3.11 हो गया। और यहाँ पर अभी मैं ओपन करके दिखाता हूँ आपको, सिस्टम अपडेट्स में भी आप देख सकते हो ये हो गया। तो यहाँ पर जो भी चेंजेस है वो सब कुछ एप्लीकेशन में भी बता दिया गया है, तो ओपन करके आपको दिखाता हूँ मैं। ज़्यादा बड़े चेंजेस नहीं होते हैं, सिक्योरिटी पैच का अपडेट आता है और बाद में जो भी कुछ इश्यूज थे इम्प्रूव कर दिए गए हैं, स्टेबिलिटी वगैरह। अगर आपको वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगी तो लाइक करिए, नहीं अच्छी लगी तो डिसलाइक करिए। और ऐसे अमेजिंग इंटरेस्टिंग वीडियोज़ देखने के लिए प्रेस द बेल आइकन। एंड फाइनली गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग, पीस।